कौन सा पोकेमोन है ड्रैगन टाइप जॉर्मोन टाइड वो भी इग्निस। ओए मेरे पे आ रहा है, ओए शिट इलेक्ट्रिक अटैक है ऊपर से। ऐसे थोड़ी मारने दूंगा, 7% लेट्स गो। आ गया नहीं, प्रेस पासिंग लग गई मुझ पे गाइस। भाई पीछे आ रहे हैं ये लोग मेरे अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पावर वर्ल्ड वीडियो। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने कैसे अनुबिस को खत्म करके उसको अपना बनाया, कैसे हमने बहुत सारे अनुबिस ब्रीड करे, क्यों हम लोग बहुत सारे वाटर पोकेमोन इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है उसका रीजन, ये सारी चीजें आप लोगों को आज के इस वीडियो में पता चलने वाले। बिकॉज आज हम जाने वाले हैं मिलिट्री बेस लेवल 2 पर, एंड मैंने सुना है कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे गॉड लेवल फायर पोकेमोन्स रहते हैं। एंड इतने टाइम से जो मैं वाटर पोकेमोन्स पकड़ रहा था, आज उनका दिन आ चुका है। सारे के सारे मेरी वाटर पोकेमोन्स की आर्मी लेकर जाऊंगा एंड बहुत अच्छे अच्छे फायर पोकेमोन्स हम लोग पकड़ेंगे। सो बिल्कुल भी टाइम जाया ना करके आज का ये वीडियो चालू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ वो है ये मोसांडा और रेहाउंड। हमने इन दोनों को ब्रीड करा हुआ है और इसमें से निकलने वाला है ग्रीजर बोल्ट। ग्रीज बोल्ट एक मोटो सा इलेक्ट्रिक पोकेमोन, एंड गेस व्हाट, वो अंडे भी उबल चुके हैं। सो लेट्स ओपन इट। ये रहा वो हमारा इलेक्ट्रिक एग, लेट्स ओपन इट एंड देखते हैं इसके अंदर से हमारे को। आय हाय ग्रीज बोल्ट, भाई साहब मुझे देखना ये कितना बड़ा है साइज में। मैंने सुना है कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा है ये ग्रीज बोल्ट। फटाफट इसको ओपन करते हैं और यहां पर बुलाते हैं। ओए माय वाइ, लेट्स गो। वाइ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ऑलरेडी जाकर अपना काम करने लगा। ऑलराइट, सो ग्रिसबोल्ट और रिलैक्सस, इन दोनों को हम ब्रीड करने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि इन दोनों को ब्रीड करेंगे तो गॉड ऑफ इलेक्ट्रिक पोकेमोन निकलने वाले हैं। तो ब्रीड करने के लिए आपको इसे उठा के लेकर जाना होता है अपने ब्रीडिंग टेबल तक, एंड देन फिर इसके अंदर डाल देना होता है उनको, सो दैट वो वहां से ज्वाइन हो जाते हैं। फिर एक और उठा लिया हमने ग्रिसबोल्ट। सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि ऑब्वियसली ये मेल है एंड फीमेल हो एक, तभी जाकर वो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है। एंड ये भी डाल दिया मैंने अंदर। और राइट, सो इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग अभी फटाफट हमारी आर्मी रेडी करते हैं, बिकॉज़ अभी हमें जाना है हमारे मिलिट्री लेवल 2 पे। जितने भी वाटर पोकेमोन्स हैं इन सारों को मुझे लेना है। सबसे बेस्ट बेस्ट वाटर पोकेमोन्स मेरे पास आ जाओ फटाफट। यार अटैक्स वाटर होने चाहिए यार, जब तक अटैक्स वाटर नहीं होंगे तब तक कोई वैल्यू नहीं है। सर्फेंट एक आ जाएगा, ओके। ये हमारे भाई पेंगुलेट के पास इतने अच्छे अच्छे अटैक्स हैं। हमारा अजूरो भी आ जाएगा यहाँ पर एक। मेरे साथ हम दो अजूरो लेकर जा सकते हैं। अरे 28 लेवल का अजूरो भी लेके जाते हैं ना, 21 का क्यों लेके जाएंगे। और हमारा रिलैक्सस को भी हम लोग लेके जा सकते हैं, बट इसके दो दो हैं। इसकी ब्रीडिंग हमें बाद में करानी थी, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि मुझे अपना लेवल 50 का जो मेमोरेथ है वो भी लेकर जाना चाहिए। ये रहा जो लेवल 50 का जो हम लोग ने लास्ट वीडियो पे पकड़ा था, क्योंकि यहाँ पर एक्वा बस्ट करके भी इसके पास एक वाटर अटैक है, इट विल बी परफेक्ट। और हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास अभी फिलहाल 58 हाइपर स्पीयर्स हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम डायरेक्टली हमारे मिलिट्री बेस लेवल 2 पे। मैंने सुना है कि वो इस तरफ कहीं पे है, तो यहां से ही हमें फास्ट ट्रैवल लेना पड़ेगा, तभी ही हो पाएगा, है ना। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं वहां पर क्या होगा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यार मैंने आजूरूप का सैडल बना लिया होता ना, तो मैं इसके ऊपर ट्रैवल कर पाता फास्ट तरीके से, बट खैर कोई बात नहीं। देखो ये सेम आइलैंड है लेवल 2 का जो आप लोगों को दिख रहा है। यार कोई अच्छा सा फायर पोकेमोन मिल जाए तो मजे ही मजे आ जाए यार। चलो लेट्स सी होप क्या होता है, फटाफट पहुंचते हैं वहां तक एंड फिर बताते हैं कि क्या लग रहा है हमें। ऑल्सो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वहां पर बहुत सारी चेस्ट्स भी होती है, वो सब ओपन करो। बट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि गाइस अगर वहां पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, और यहाँ पर तो और भी स्ट्रॉन्ग पुलिस रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मुझे पुलिस ने पकड़ा तो मैं पक्का मरने वाला हूँ, है ना। तो चेस्ट वगैरह तो हम बाकी एक्सप्लोर करके भी मंगवा सकते हैं ना, तो ये एक चीज है जो मुझे आप लोगों से बतानी थी। ऑलराइट चलते हैं। ओ ये क्या है भाई साहब, इतना बड़ा ट्री है यहाँ पर एक, जबरदस्त यार जबरदस्त। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर एक मुझे फास्ट ट्रैवल दिख रहा है, बट अब मिलिट्री बेस के इतना क्लोज आ चुके हैं कि देखते हैं, मरना नहीं है बस हमें खाली। हमारे पास 58 हाइपर स्पीयर्स हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ डॉच पे ध्यान रखना है और खाना पीना हमें खाते रहना है ना। ऑलराइट नंबर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम। पहला ही पोकेमोन हमें, ये कौन सा पोकेमोन है, ड्रैगन टाइप जॉर्मोन टाइड वो भी इग्निस, और वो भी बॉस पोकेमोन है। अरे नहीं नहीं तू नहीं, तू तो पिट जाएगा उससे अभी नहीं। हाँ तुझे जाना है भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम गाइस अभी के अभी स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। इलेक्ट्रिक अटैक से उसके पास, और हमारे बबल्स भी छोड़ दिए भाई, कुछ डैमेज ही नहीं है इसका तो। नहीं ब्रो, इसके पास क्या फायर अटैक है, ये मुझ पे मारने वाला है अब।
नहीं बेटा ऐसे थोड़ी, बहुत लोगों को मार के आया हूँ मैं, बस मुझे मेरे पोकेबॉन को बचाना है और थोड़ा थोड़ा मुझे भी मारते रहना है, बस ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, ज्यादा आवाज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नाइस, अजुरुप के सारे अटैक्स बहुत अच्छे हैं ऑनेस्टली देखा जाए तो, बट ये जर्मुंटाइड है ना बहुत ही ज्यादा ग्लिच कर रहा है भाई। ये कितना जबरदस्त बड़ा पोकेमोन है यार, ये भिड़े जा रहे हैं दोनों, एक दूसरे फाइट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं, ज्यादा डैमेज तो मैं ही दे रहा हूँ। लेट्स गो जर्मुंटाइड, तू मेरा होने वाला है ब्रदर। आज सरफन डालते हैं अभी थोड़ा, ओए मेरे पे आ रहा है, ओए शिट, जब तक मेरी शील्ड नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, भले मेरा सरफन बहुत मार खा रहा है, मैं एक भी अटैक नहीं झेल सकता गाइस अभी इसका जर्मुंटाइड का, वो भी इग्निस लेवल का इलेक्ट्रिक अटैक है ऊपर से। What? तीसरा अटैक भाई, इसके तीसरा इलेक्ट्रिक अटैक मुझ पे कैसे पड़ गया यार, एक तो ऑलरेडी मैं इतना दूर था उससे, भाई मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये पोकेमोन। चलो लेट्स फोकस, इस बार फोकस करके मारेंगे, सभी लोग मिलके लाइक बटन दबाओ, सभी लोग मिलके सब्सक्राइब बटन दबाओ तभी हो पाएगा गाइस, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाएंगे गाइस, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब करो। बट आई डोंट थिंक अब जर्मुंटाइड है यहाँ पर, यार मेरा जर्मुंटाइड चला गया, ओ ये रहा जर्मुंटाइड, वापस मिल गया हमें। और यहाँ पर कितने सारे पोकेमोन है जो गुस्सा है हमसे, अरे ये नॉक्ड भी आ गया मुझ पे अब, नहीं 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 नहीं, ये मिलिट्री लेवल 2 बहुत ज्यादा हार्ड है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अभी बहुत कम लेवल का हूँ मुझे लग रहा है। एक और जर्मुंटाइड है यहाँ पर, अरे कितने सारे जर्मुंटाइड है यहाँ पर भाई, ये लेवल 44 का जर्मुंटाइड है, थोड़ा जर्मुंटाइड को इस तरफ आने देता हूँ, रुको, इन दोनों की अगर फाइट हो गई ना यार बेस्ट हो जाएगा वो, फोकस करके गाइस इसमें थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा हमें। नाइस, अब इस जर्मुंटाइड को भी मुझे मारना होगा और इन दोनों की फाइट मेरे से ना हो जाए, नहीं इस बार नहीं बेटा। ओए भाई ये क्या है, ओ नाइस नाइस नाइस, इनकी फाइट हो गई, इनकी फाइट हो गई, इनकी फाइट हो गई, लेट्स गो, मैंने अपने पोकेबॉल्स रेडी करके रखे हैं गाइस, इनकी फाइट चालू रहनी चाहिए बस, और ये अब दोनों मुझसे फाइट भी नहीं कर रहे भाई, लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं, ये देखो ये जर्मुंटाइड को मार रहा है और भाई फ्री, अभी मुझे क्यों मार रहा है, नहीं भाई मैं तुम्हारी फाइट में हुई नहीं, हाँ आपस में फाइट करो, वेरी गुड भाई, क्या स्मार्ट लगा है भाई, 300 मार रहा है वो वूम्पा उसको भाई, हेल्थ देखो कितनी कम कर दी आपस में इन दोनों ने एक दूसरे की, यार ये दोनों शांत क्यों हो गए, अरे ये हेलो भाई, मैंने बैक बोनस से लेने का ट्राई तो किया है बट ये शिट, नहीं गड़बड़, वुम्पो बाहर आ जा यार, नाइट बॉल मारते हैं, आ जाओ 152 मारता है ये भाई वैंड्रियम, भाई इन लोग वापस फाइट करने लगे, नाइस यार, ये और ये फाइट करने लग गए तो भी चल जाएगा पता है हमें, दो जर्मुंटाइड से फाइट ले लेंगे तो पक्का पिटने वाले काम कर रहे हैं हम अपने, अभी ये इनसे फाइट करने लगा अब भाई, क्या हम दो जर्मुंटाइड पकड़ पाएंगे, ओ ये वुम्पो बाहर आ गया, लेट्स गो, अभी भाई मेन अटैक चालू होने वाले हैं, मुझे मैं चाहता हूँ दोनों के दोनों जर्मुंटाइड में से कोई एक तो मैं पकड़ लूं यार, थोड़ा नीचे रहता हूं मैं, भाई वुम्पो को तो मार ही दिया इन दोनों ने, अब ये मुझ पे आ रहे हैं भाई, दो दो जर्मुंटाइड से फाइट करने वाला हूं क्या मैं, नहीं भाई मेगा बॉल नहीं, क्या डिफेंड किया है, मैं मर रहा तो डालने दो मुझे अपना भाई, मेमोरेट मार खा रहा है पागल, दूसरा वाला भी यहीं पर है, चिल दोनों के दोनों जर्मुंटाइड पकड़ने वाले हैं गाइस, हम आज 400 का डैमेज दे रहा है यार, अरे नाइस, बस 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 अब मर जाएगा, अब नहीं मार रहे हैं अबे, लेट्स गो भाई, पानी में मत जाना, ये वाला जर्मुंटाइड को भी पकड़ने के, उसका भी हेल्थ बहुत कम है इसीलिए, लेट्स गो लेट्स गो, 4% लेट्स गो, इस बार होने वाला है 27, नहीं बहुत ज्यादा बड़ा मोड ले रहा हूं मैं, ये भी मार खाना है, इसका भी मार खाना है, उसका भी मार खाना है, इसको तो अटैक ही नहीं करने दूंगा, पीछे वाला चलो फिर भी अटैक करेगा, आ जा प्लीज लेट्स गो, एक मिनट अभी भी खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा सबसे बड़ा मेमोरी लेवल 50 का है ये गाइस, बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे तुझसे यार, नाइस वन यार, 500 मार रहा है ये शाइनी, बस 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 भाई, ये क्या ब्रो, मुझे प्यार आ गया यार ये मेमोरी पे भाई, तुमको पता है ग्रास टाइप होते हैं ना जो, वो वीक होते हैं फायर टाइप के अगेंस्ट, और ये तो उल्टा हो गया है, क्या हम लोग एक साथ दो जर्मुंटाइड पकड़ पाएंगे गाइस, ऐसे थोड़ी मारने दूंगा बेटा, ऐसे थोड़ी मारने दूंगा, 7% लेट्स गो, आ गया नहीं यार, इतना क्लोज हो गए के बाद भी, आ जा आ जा आ जा आ जा, लेट्स गो, दो
भाई मैं चुपचाप निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे यकीन नहीं हो रहा है पुलिस से बचकर हमने दो जॉर्मुंटाइड वो भी इग्निस पकड़ लिए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई साहब, जो फाइट थी एंड जो स्मार्टनेस हमने प्ले करी गाइस, मानना पड़ेगा एक एक लाइक तो दबाना पड़ेगा। मैं फटाक से अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि और एक शाइनी, और ये 45 लेवल का है ये। नहीं नहीं, ज्यादा लालच बुरी बला है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि हमारे बेस पे जो रेड होती है लगातार, उन रेड में इंसिनरम नॉक और फायर दोनों के दोनों उस रेड में आए थे मेरे बेस पे अटैक करने, और हमने उनको मारा भी और कैप्चर भी किया। वो बहुत ज्यादा ओपी मोमेंट था। मैं आप लोग के लिए इस क्लिप प्ले, व्हाट ट्रेसपासिंग लग गई मुझ पे गाइस, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से, फटाफट बेस की तरफ भागना पड़ेगा। भाई पीछे आ रहे हैं ये लोग मेरे, अभी यहाँ, अरे हेलो, पानी में स्पॉन हो रहे हैं ये लोग। उड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, जितना ऊपर उड़ सकता हूँ उतना उड़ जाऊंगा। ऊपर तो थोड़ी स्पॉन होंगे ये लोग, भाई नीचे ही है पानी में, एटलीस्ट बच गए अब। भाई पानी में, अभी हेलो, हवे में कैसे स्पॉन हो रहे हैं ये लोग? अरे मैं मर जाऊंगा यार, हवे में ही रहना पड़ेगा, पानी में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा गाइस। हवे में एटलीस्ट लोग मार तो नहीं पा रहे हैं मुझे, और ऊपर मेरा स्टैमिना खत्म हो जाएगा गाइस ऐसे तो। यार ये वांटेड लेवल जाएगा कैसे, मैंने कभी नहीं देखा ये वांटेड। ओ भाई ये आइलैंड देखो कितना अच्छा दिख रहा है। नहीं भाई अभी मैं दिक्कत में हूँ, कैसे ठीक करूँ गाइस अभी ये। मेरे हिसाब से घर पे चले जाना चाहिए मुझे, सामने मुझे फास्ट ट्रैवल तो दिख रहा है। क्या मैं पुलिस से चकमा देकर मैं भाग सकता हूँ? भाई पुलिस पड़ गई है मेरे पीछे, मेरी बहुत ज्यादा लूट है मेरे पास, अगर ये सारी की सारी लूट पड़ गई मेरे पीछे गाइस गड़बड़ हो जाएगा। मारूं क्या इनको? मार तो नहीं सकता भाई, 38 लेवल के हैं, अगर मैं मारूंगा तो और वो जीटी जैसा सेम जीटी वाला है। काम करते हैं फिलहाल, उतरते हैं यहाँ से और भागने का ट्राई करते हैं यहाँ से कहीं और लोकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। क्या हमारा वॉन्टेड लेवल चले गया? नहीं, यो कैसे आएगा अब ये? अब मेरे बेस पे चले जाता हूँ मैं, नहीं बेस पे तो स्पॉन होंगे तो भाई सारी मेरी टीम। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे सारे पोकेमोन मारने लग जाएंगे उनको, यहाँ भी नहीं आ सकता भाई, मैं घर पे भी नहीं आ सकता अब। यार ये कैसे होगा अब गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार मुझे लग रहा है एकदम ऊपर उड़ जाऊंगा तो हो जाएगा ठीक। स्टैमिना फिल करते हैं पहले तो यहाँ पे, देखो यहाँ भी स्पॉन हो जा रहे हैं, अब नहीं हो पाएंगे। अब कैसे मारोगे तुम भाई, ऊपर उड़ते ही जा रहा है मेरा वैंड्रियम। और ये क्या है ये यार, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग मुझे। फाइनली भाई मैं इतना टेंशन में आ गया था कि क्या होगा अभी मेरा। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, अगर मिलिट्री बेस में भी अगर मुझे लोग पकड़ने लगते हैं पुलिस, तो मुझे हवे में उड़ जाना है, सिंपल। मुझे पता नहीं था ये इतना इजी सॉल्यूशन होगा, बट भाई साहब मैं अगर अपने बेस पे रहता तो मेरे सारे पोकेमॉन इनको और मारते और ये और ट्रिगर होते और मैं और फंसता। एनीवेज गाइस अभी मैं एक्साइटेड हूँ सबसे पहले देखने के लिए हमारे जॉर्मुंटाइड इग्निस भाई साहब वाटर प्रूफ। आ जाओ देखते हैं गाइस दोनों को, ये कैसे दिखते हैं, थोड़ा साइड में आके देखते हैं यहाँ पर मेरे जॉर्मुंटाइड इग्निस भाई। हेलो भाई, अबे हेलो, कितना स्लो है तू भाई, ये कितना अच्छा दिख रहा है ब्रो, ये ड्रैगन कितना अच्छा दिख रहा है यार। भाई ये थंडर बोल्ट, भाई ये लावा बॉल है, 11,580 भाई, ये क्या पावर है इसके अंदर, बट ये बहुत एग्रेसिव लग रहा है यार मुझे। अबे ये तो डर गई बिचारी, और डर नहीं भून गई बिचारी। भाई साहब बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे ये। चलते हैं अभी हम अपने बेस के ऊपर, मेरा बेस यहाँ पर ऊपर है जिनको नहीं मालूम है, मैं नीचे ट्राई कर रहा था सिर्फ कैसा है ये वगैरह वगैरह, बट यहाँ पर हमारे ग्रिसबोल्ट और रिलैक्सस ने दो अंडे दे दिए हैं। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, क्या ये दोनों अंडों में से क्या पोकेमोन निकलने वाला है? आ जाओ फटाफट इनको डालते हैं उबलने और देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट उबलने डाल देते हैं, ऑलराइट तो इनक्यूबेशन होता है कंप्लीट बॉयज, देखते हैं इसके अंदर से हमारे पास क्या वही गॉड ऑफ इलेक्ट्रिक पोकेमोन निकलता है। यस और सर्क भाई साहब, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, आपको देखने में भी ये इतना ही ज्यादा एग्रेसिव दिखेगा। ये देखो भाई साहब, देखो जरा भाई इसके पास बटरफ्लाई जैसी विंग्स हैं, टेल्स देखो भाई, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमोन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोकेमोन। देखते हैं क्या क्या करता है, 4 इलेक्ट्रिसिटी करता है भाई, 4। बट फिलहाल गाइस हमें क्या करना है ना, हमारे जो दोनों जॉर्मुंटाइड है ना, इन दोनों को हमें है ना ब्रीड करना है, तो ब्रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेल और फीमेल ढूंढने पड़ेंगे, और नसीब से हमारे पास दोनों जॉर्मुंटाइड जो उन्हें पकड़े वो मेल फीमेल है, तो फटाफट से हम लोग फिलहाल तो यहाँ दोनों जॉर्मुंटाइड को डाल देते हैं और इन लोग को यहाँ पर ब्रीड करने का एक वो बोल देते हैं, सो दैट हमारे पास बहुत सारे जॉर्मुंटाइड आ जाए, एंड जितने ज्यादा जॉर्मुंटाइड रहेंगे उतना ज्यादा फास्ट खाना बनेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई अल्फा 2 जॉर्मुंटाइड तो है और कितने जॉर्मुंटाइड चाहिए, तो जॉर्मुंटाइड जो है इसके पास 4 लेवल की फायर पावर है, जो कि जो ये खाना वगैरह होता है वो बहुत जल्दी बना देता है, सो इट इज गोइंग टू बी फन। दूसरा वाला जॉर्मुंटाइड यहाँ पर सो क्यों गया है भाई, अपसेट एंड वेंट टू बेड, भाई क्या हुआ, बहुत मारा क्या मैंने तेरे को, आजा
तुमको अभी ब्रीडिंग पे लेके जाएंगे और फिर केक खिलाकर तुम्हारे बच्चे पैदा करके उनको और काम करवाएंगे। मेल एंड फीमेल नॉट प्रेजेंट। हाँ समझ गया मैं भाई। पाल बेड को एक तो ये हाँ ये रहा। ऑल राइट, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हो गए हैं यहाँ पर। अनुबिस क्या कर रहा है भाई यहाँ बीच में? अनुबिस अंदर साले, दोनों को डिस्टर्ब मत कर। डिस्टर्ब करे जा रहा है यार अनुबिस। ये हमारा बाय द वे बॉस अनुबिस है जो कि हम लोग ने गलती से बेस में डाल दिया। सो फिलहाल हमारा सीन ऐसा है कि हमने वापस जाना है मिलिट्री बेस 2 पे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ और कौन से पोकेमॉन्स हैं। और इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे अच्छे अच्छे लेवल के पोकेमॉन्स लेकर जाऊँ जो कि हमें फाइट में एक्चुअल में हेल्प करें, है ना। सो जॉर्मुंडाइट तो नहीं लेकर जा पाएंगे, बट हमारे जो बॉस अनुबिस है ये हमने ले लिया है। ये रहा हमारा बॉस अनुबिस और शाइनी मेमोराइट। और हम कौन से पोकेमॉन, ये तो उड़ने वाला रखना ही है हमें। और एक ग्रास टाइप ले लिया है हमने, वैसे एक ग्राउंड टाइप ले लिया है, एक अच्छा वाला फायर टाइप ले लेते हैं। नहीं फायर टाइप हमारा वैनरियम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ले ही लेते हैं फायर टाइप। एंड एक इलेक्ट्रिक टाइप भी ले लेते हैं सो दैट जस्ट इन केस हमें जरूरत पड़े। यार इलेक्ट्रिक टाइप में मुझे ये लेकर जाना है यार, और सर इसका लेवल बढ़ाना है मुझे। चलते हैं वापस, अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं करा है हमने। तो ये रहा वो फास्ट ट्रैवल, लेट्स गो। और कौन से पोकेमॉन्स मिल सकते हैं? ऑलराइट, वी आर बैक अगेन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 2। क्या होने वाला है यहाँ पर? बस खाली वापस वो पुलिस पकड़ ले तो हमें याद से उड़ जाना है ऊपर। तो वैनरियम को बचा कर रखना है, अगर हम उड़ नहीं पाए तो पक्का हमारी मौत कंफर्म है, ठीक है। अगर एक और जो अभी ये क्या इतना बड़ा हो, देखो पूरा पिलर गिरा है यहाँ पर। एंड एक और बात गाइस, ये सिर्फ लेवल 2 का मिलिट्री बेस है। अबे अरे हेलो, मैं 1 HP हूँ। लेट्स गो भाई। यार ये क्या वापस फाइट कर रहा है? यार क्या कर रहा है मेमोरेट? कुछ मार भाई, मेमोरेट मुंह देख रहा है सिर्फ। नहीं यार, यार ये कितना पागल है ये मेमोरेट, खड़ा है सिर्फ किनारे पे, नूबड़ा साला। यार ऐसा मुझे लग रहा है कि कर्स हो गया हमारे ऊपर। जब हम ये एक बार मर के आता हूँ और दूसरी बार जब जाता हूँ तब तो कुछ अनोखा ही करके आता हूँ, तो अभी दूसरी बार जा रहा हूँ, देखते हैं क्या अनोखा करके आने वाले हैं हम। तो गाइस अगर आप लोग अभी भी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर करो कि एक बार हल्का सा वीडियो पॉज करके लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज हम पाल वर्ल्ड सुपरमार्केट एंड बहुत सारे डिफरेंट गेम्स ट्राई करते हैं इस चैनल के ऊपर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लेट्स बिगिन। ओ ये रामीना स्टिंग, और नसीब से ही अकेला नहीं है भाई, ये पुलिस से तो दूर ही रहना है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना यार, हम एक चीज वापस कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, पुलिस तुमको कुछ नहीं किया मैंने, पत्थर फेंक रहा इतना बड़ा। अबे ये बॉल क्या है ब्रो? तू अटैक मुझे कर, तेरे अटैक इसको भी लगने चाहिए। अब जर्मनटाइड, अब मार, नाइस, मार मुझे, वेरी गुड। अबे नहीं, मुझे नहीं, शिट, गलत पंगा ले लिया मुझे लग रहा है यार, ये वेस्ट हो रहे हैं बॉल मेरे। ओए जॉर्न टाइट को मार रहा है, नाइस वन, नाइस। मीना स्टिंग अभी मुझे नहीं मार रहा, उसको मार रहा है। मीना स्टिंग को पकड़ना है यार, मेरी शील्ड वापस आ चुकी है एक, ये बहुत अच्छी बात है। शिट, इससे बचना पड़ेगा मुझे। नहीं यार ये तो बहुत एरिया डैमेज दे रहा है ये बॉल से। अगर आ गया नहीं यार, बाहर निकल गया यार, ये बहुत भारी पड़ रही है चीज, पता है यार। एक गलती में, पता है मेरे हिसाब से है ना, स्मार्ट नहीं, इसको ओवर स्मार्ट बनना बोलते हैं। एक गलती में यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि दोनों की फाइट करवा ली, ये चलेगा, ये परफेक्ट है, बट इनके बीच में ना मुझे अपना एक पोकेमॉन छोड़ना पड़ेगा सो दैट दोनों पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन को मारे, है ना, और बीच में मुझे पोकेबॉल्स फेंकने पड़ेंगे। हालांकि पोकेबॉल्स हमारे पास अभी तो फिलहाल मेरे बैग में गिरे हुए हैं, तो ये एक चीज करनी पड़ेगी यार। मीना स्टिंग मिला था यार, वो क्या पावरफुल मीना स्टिंग था, आप देखा आपने, पत्थर फेंक रहा है वो, एक तो पता नहीं कॉस्मिक बॉम्ब बना रहा है वो, भाई साहब वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल ही था। फिर से नंबर 3 ट्राई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेवल 2 पे गाइस। पहले सबसे पहले जाके मेरे को अपना सामान लेना है, फिर डिसाइड करना है कि इस बार किन दो पोकेमॉन्स की फाइट करवानी है ना। इस बार तो ये अकेला भी है और सेम चीज है इस बार भी, है ना, ध्यान रखेंगे इस बार, पूरा ध्यान रखेंगे। पहले खाना खाने दो, ठीक है, आर्मर का सीन सॉर्टेड है। पहले जॉर्मुंडाइट को मारेंगे और फिर मीना स्टिंग के पीछे छुप जाएंगे यार। बट यहां पुलिस भी है यार, भाई पुलिस के बीच में फाइट कर रहा हूं मैं। ओ भाई दोनों से कैसे, इस बार गलती नहीं करनी है प्लीज भाई, इस बार मेमोरेट नाटक मत करना यार, कुछ कूद रहा है खाली, तू कूदने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा है ब्रो, कूद रहा है ये, दूर जा रहा है। ओ भाई साहब मेमोरेट ने दे दिया भाई, मीना स्टिंग को दे दिया, मीना स्टिंग को ही मारते हैं फिलहाल मेमोरेट को। ओ नाइस, जॉर्मुंडाइट अब मेरे ऊपर फाइट करने वाला है। पड़ गई मुझे भी और मीना स्टिंग को भी पड़ गई भाई, ये क्या अटैक है और कौन मर रहा है? मेरा मीना स्टिंग मर गया ना तो बहुत मार खाएगा तू यार। मीना स्टिंग को पकड़ यार बॉल। ओ भाई पुलिस है पीछे, पुलिस है। मीना स्टिंग आ गया क्या?
लेट्स गो। एक ही बार में मीना स्टिंग आ गया है। चलती तू इधर आ बेटा, तू इधर आ। तूने बहुत, तेरे को तो मेरा अनुबिस ही संभालेगा तू। देना इसको अनुबिस, जरा ऊपर से उड़ के एक मेरा फेवरेट अटैक। अरे उड़ी, अरे अटक गया अनुबिस। अनुबिस कुछ कर दे भाई, उड़ के मार, उड़ के मार। नाइस, ये भी चलेगा भाई। दिया है भाई, अच्छा डैमेज दिया अनुबिस। एंड 750 का डैमेज भाई साहब। अनुबिस गॉड हो भाई तुम। अरे अंदर आओ, अंदर आओ, अभी अंदर आओ, अभी नहीं। कितने ही बड़े गॉड हो बट उसके फायर बॉल के सामने तो मैं नहीं चाहता तू जाए भाई साहब। 1 HP कर दिया जर्मुंडाइट को। अभी अंदर आ जा तू, आ जा अभी। जर्मुंडाइट ज्यादा नाटक मत करना ठीक है, मत कर ज्यादा नाटक, बोल रहा हूँ। अरे क्या भाई, जल्दी आ जा, क्यों नाटक कर रहे। 3 जर्मुंडाइट होंगे इस एपिसोड में, लाइक करें गाइस। 3 जर्मुंडाइट आ गया, थोड़ा और मारना पड़ेगा लग रहा है। चला आ जा बेटा, अब हो गया, अब बहुत हो गया है। इस बॉल में आने वाला है, चलो गाइस। ओके नहीं हुआ, इस वाले बॉल में आने वाला है ठीक है, ये वाले। अब मैं मारूंगा ना ये वाले बॉल में आने वाला है। ये लो आ गया, चलो लाइक कर दिया ना होगा, आई होप लाइक कर दिया होगा गाइस। नहीं लाइक नहीं किया यार, करो लाइक, क्या कर रहे हो। अब लाइक किया होगा, अब लाइक किया होगा, बोला ना मैंने अब लाइक किया होगा। क्यों नहीं कर रहे हो लाइक गाइस, लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना चांसेस बढ़ेगा। अब हो गया, अब लाइक किया ना। लाइक नहीं कर रहे हो तो ऐसे नहीं बनेगा गाइस, लाइक करना पड़ेगा। लाइक करो गाइस, इस बार लाइक किया नहीं किया ठीक है। ये वाला बॉल है जिसमें आपने लाइक किया है, एंड इस वाले बॉल में कैप्चर होने वाला है हमारा। कितना लाइक करने बोलूं गाइस तुम लोगों को मैं, कितने बॉल खाएगा भाई, मेरे पास 8 ही बॉल बाकी। अब तू और मार खाने वाला है बेटा, कहां भाग रहा है बेटा तेरा। एकदम पिद्दी सा अटैक मेरे सामने नहीं चलेगा, और तूने मुझे बहुत परेशान कर रहा है भाई। लाइक भी नहीं करने दे रहा तू लोगों को, तू मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। चल भाई, अगर इस बॉल से तू आ गया ना, नहीं आया, चलो 6 बॉल है गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लाइक करें। लास्ट बॉल है, ये लास्ट बॉल है, देखो अब ये लास्ट एक बॉल बस बाकी है। छोड़ूंगा तो नहीं बेटा तुझे, तू आने ही वाला है, तू नहीं आया तू गया, अभी तो तू गया। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, लाइक कर दो। बट हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है गाइस, अभी फटाफट जाके हमें अपना खाली सामान कलेक्ट करना है। बट फिलहाल अभी हम अपने घर पे चलते हैं। हमारे जर्मुंडाइट ने बच्चे दिए या नहीं दिए ये देखना है हमें। खैर लाइक करें सभी लोग मिलकर। इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे जर्मुंडाइट के जो 2 बच्चे निकले हैं यहाँ पर, इन दोनों में जर्मुंडाइट ही होने वाले हैं ऑब्वियसली। अगर सेम पोकेमॉन ब्रीड करेंगे तो कोई अलग पोकेमॉन थोड़ी निकलेगा है ना। इन अंडों को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ब्रीड करने वाले हैं। तो यार अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड लाइक नहीं करते हो ना तुम, इसीलिए वो पकड़ा नहीं गया। पता है इतने ज्यादा लोग ये वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हो ना, इसीलिए। लाइक करना चालू करोगे ना तो सारे पोकेमॉन मेरे पास आते जाएंगे और आप लोग के लिए मैं अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा। तो लाइक करो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, लेट्स हिट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए दिस वाज मी अल्फा सुप्रीम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पाल वर्ल्ड और सुपरमार्केट। सायोनारा, बाय।